आपने कोटा फैक्ट्री सीजन 2 देखा? हाँ देखा है। तो आप कितने स्टार देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से 11। 10 में से 11? क्या बात है, मतलब ये फोड़ रहा है पूरे इंडिया में, कोटा फैक्ट्री सीजन 2 एकदम फोड़ रहा है, मजा आया। अरे भाई बड़ा एम करो, फाइट मारो, पर नहीं हो तो धड़ल्ले से बोलो जेई एडवांस में रिजेक्ट हुई हूँ, डर किस चीज का है? आईटी इसलिए एम मत करो कि उसके बिना लाइफ नहीं है। सुंदर पिचाई, अरविंद कृष्णा आईटियंस हैं, सत्य नडेला नहीं भी है, पर आईटी इसलिए मत करो कि वहां पढ़ाते अच्छा है, पढ़ाने वाले मिल जाएंगे हर स्कूल कॉलेज में। आईटी इसलिए करो क्योंकि टफ है, और टफ बैटल लड़ने में कॉन्फिडेंस आता है लाइफ। जो बच्चों को इंतजार था काफी समय से कि कोटा फैक्ट्री सीजन 2 कब आएगा, वो आ चुका है, 2 दिन पहले रिलीज हुआ है, उसके 5 एपिसोड हैं। हम हैं इस समय कानपुर में, काकादेव में, और काकादेव पूरे उत्तर प्रदेश में हब माना जाता है। सबसे ज़्यादा कानपुर में आईआईटी और नीट के बच्चे तैयारी करने आते हैं, तो उनके ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है कोटा फैक्ट्री सीजन 1 और सीजन 2। तो यहाँ पे जानते हैं कोटा फैक्ट्री सीजन 2 का क्या जलवा है, और आपको दिखाएंगे कि बच्चों को कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा है। तो चलिए फिर बच्चों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, जानते हैं कि कोटा फैक्ट्री सीजन 2 कैसा लगा। आपका क्या नाम है? अर्पित कुमार। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? आईआईटी। आईआईटी, आप भी आईआईटी की? नहीं, नीट। नीट की? क्या बात है। तो कोटा फैक्ट्री सीजन 2 कैसा लगा? बहुत अच्छा था, उसमें जीतू भैया कैरेक्टर अच्छा था। अच्छा। और मीना का भी अच्छा था। अच्छा, मजा आया? मजा आया फुल। अगर अभी सीजन 3 भी आएगा। अच्छा, सीजन 3 के लिए वेट कर रहे हैं आप लोग? वेट कर रहे हैं। तो कितने स्टार देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से तो 10 देंगे। 10 में से 10? क्या बात है। आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा उसमें? दोनों, सभी। उसमें सभी कैरेक्टर अच्छे लगे? हाँ, ये भी बात सही है कि सभी कैरेक्टर एकदम जबरदस्त एक्टिंग किए हैं, तो सभी कैरेक्टर अच्छे हो सकते हैं। आप कितने स्टार देना चाहेंगे? 10 में 10। 10 में से 10? क्या बात है, आप लोगों से मिलके अच्छा लगा, थैंक यू। आपका क्या नाम है? हर्ष प्रताप सिंह। अच्छा, आपका क्या नाम है? अनूप चौरसिया। अच्छा, सीजन 2 देखा आपने? हाँ देखा है। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। किसका कैरेक्टर अच्छा लगता है उसमें? मुझे मीना का कैरेक्टर बढ़िया लगा। मीना इज द बेस्ट। हाँ, मीना इज द बेस्ट। आपको स्टार देना हो तो कितने स्टार देंगे सीजन 2? मैं तो 10 को दे स्टार। 10 out of 10? या क्या बात है। और आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा, पहले तो ये बताइए कि आपको अच्छा लगा सीजन 2? बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छा लगा। आप लोग किस चीज़ की तैयारी करते हैं? आईआईटी की। आईआईटी की तैयारी करते हैं, उसमें भी आईआईटी ही दिखाया गया है। तो आपको कैरेक्टर कौन सा अच्छा लगता है उसमें? जीतू भैया का अच्छा लगता है। मतलब आपको मीना का कैरेक्टर अच्छा लगता है, आपको जीतू भैया का कैरेक्टर अच्छा लगता है। आप कितने स्टार देना चाहेंगे 10 में से? 10 में 10। 10 में से 10? क्या बात है, कुछ लोगों ने तो 11 भी दिया, मतलब अच्छी वेब सीरीज है। आपका क्या नाम है? सुधीर सिंह। सुधीर सिंह, अच्छा, आपने कोटा फैक्ट्री सीजन 2 देखा? हाँ देखा है। अच्छा लगा आपको? हाँ। उसमें किसका कैरेक्टर अच्छा लगता है? वैभव। वैभव का अच्छा लगता है। चलो, अच्छा कोई तो मिला जो ये बोलने वाला है कि वैभव का कैरेक्टर अच्छा लगा। तो आप कितने स्टार देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से 11। 10 में से 11? तो सीजन 2 आपने देखा? जी वेट भाई, बिल्कुल देखा भैया। अच्छा, कोटा फैक्ट्री सीजन 2? जी कोटा फैक्ट्री सीजन 2। सीजन 1 देखा? सीजन 1 भी देखा। हम लोग तो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कोटा फैक्ट्री सीजन 2 का। अच्छा। और अब और इंतजार कर रहे हैं सीजन 3 का। सीजन 3 का? अच्छा। बन में जो थोड़ा क्लाइमेक्स बचा था उसका इंतजार हम लोग सीजन 2 में कर रहे थे, और सीजन 2 का जो बचा वो सीजन 3 में कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनका आईआईटी का पेपर नहीं हुआ है, और जीतू भैया ने अपना नया वो खोल लिया है, इंस्टीट्यूट खोल लिया, प्रोडिजी छोड़ दिया, तो ये भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और जीतू भैया बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, एक टीचर हैं, हम भी चाहेंगे रियल लाइफ में ऐसा ही टीचर हमें मिले। तो एमर्स उनके इंस्टीट्यूट का नाम है शायद? हाँ, एमर्स। एमर्स। अच्छा, एमर्स। नाम क्या है? सर निखिल वर्मा। आप किस चीज़ की तैयारी करते हो? सर आईआईटी। आईआईटी की। तो आप कोटा फैक्ट्री सीजन 2 आपने देखा? जी सर। अच्छा सर, लगा सर? बहुत ही अच्छा है सर, मुझे तो बेस्ट लगता है वेब सीरीज में वो, एक तरीके से वेब सीरीज मतलब कोटा फैक्ट्री सीजन 2 बहुत अच्छा लगता है। उसमें कौन सा कैरेक्टर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? सर मीना जी का सबसे अच्छा कैरेक्टर है उसमें। मीना का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सीजन 1 आपने देखा? जी सर। यस सर। अच्छा लगा था? यस सर, तभी तो सर सीजन 2 देखने के लिए बेताब था। अच्छा, पैसा वसूल है? यस सर। सर बिल्कुल बिल्कुल मजा आया। यस सर। क्या नाम है? मेरा नाम अंश तिवारी। अच्छा, और आपने सीजन 2 देखा कोटा फैक्ट्री सीजन 2? जी बिल्कुल देखिए। कैसा लगा आपको? जी बढ़िया लगा। टीचर हो तो जीतू भैया जैसा होना चाहिए, जैसा कि उनका फेमस डायलॉग मुझे लगा कि एम सपने नहीं देखने चाहिए, एम बनाना चाहिए। तो एम बनाने से आए, उनके इंस्टीट्यूट का नाम इमर्स है, इसीलिए उनका इंस्टीट्यूट का नाम इमर्स रखा गया। लेकिन मुझे मीना के लिए डर लग रहा है कि उसका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इतना डरना ज़रूरी नहीं है उसके लिए।
भाई अभी आप तीसरे सीरीज का आप क्लाइमैक्स बता रहे हो। नहीं, क्लाइमैक्स नहीं बता रहे, बस ऐसा लग रहा है जितना डरा हुआ है वो जैसा दिखाया गया है इसमें उस हिसाब से हो सकता है ना सिलेक्शन, शायद ना सिलेक्शन। तो वैभव के बारे में क्या कहेंगे? वैभव के ऊपर ही तो पूरा कोटा फैक्ट्री डिपेंड करता है, उसका सिलेक्शन डन है, उसका तो डन होना ही चाहिए। वैसे कौन सा रैंक आ सकता है? रैंक 50 के अंदर आना चाहिए, 15 के अंदर आना चाहिए, 15 के अंदर आएगा। क्या बात है, आप लोग देख लीजिए, हो सकता है 15 के अंदर वैभव का आ जाए। लेकिन भाई ने कहा मीना का सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बात से हमें दुखी हुई क्योंकि मुझे भी मीना का कैरेक्टर सबसे बेस्ट लगता है, एक नंबर लगता है। सीजन 2 में अगर आपको रेटिंग देना चाहें, अगर आप 10 में तो कितने देंगे? 10 में से तो 11। 10 में 11। और सीजन 1 को? सीजन 1 को 10 में से 10। और जो सीजन 3 आएगा उसके लिए इंतजार है? बिल्कुल, बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा। तो आपका क्या नाम है? अनंत पांडे। अनंत पांडे, तो आपने कोटा फैक्ट्री सीजन 2 देखा? हाँ, बहुत अच्छा लगा, पूरा खत्म। मजा आया पूरा। अच्छा, उसमें किसका कैरेक्टर अच्छा लगता है? हमको तो जीतू सर का कैरेक्टर एक नंबर लगता है। आप कितने रेटिंग देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से मैं उसको दूंगा 8.5 IMDb की। 8.5 एक्यूरेट रेटिंग है, क्योंकि सभी लोग 10 में से 11 दे रहे थे, भाई 10 में से 8.5 दे रहे हैं, तो मजा आया कुल मिला के। मजा आया। तो हमने आपको कोटा फैक्ट्री सीजन 2 का पूरा रिव्यू दिखाया और मज़ा भी आया। काफ़ी बच्चों ने इसको 10 में से 11 रेटिंग देने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो 10 में से 10 अच्छा था, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पसंद किया है इस वेब सीरीज़ को, तो 10 में से 10 दिया जा सकता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप ये ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है, चाहे वो कोटा फैक्ट्री सीजन 1 हो या 2 हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे बटन है उसको क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं।